तक अपनी जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, ऐतिहासिक जीत होगी, पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर नया इतिहास बनेगा। आश्वस्त का तो सवाल ही नहीं, कितने का अंतर से जीतेंगे इस पर सवाल, और वह अंतर पीछे से ज्यादा होगा यह विश्वास पूर्वक कर रहा हूँ। आज रागिनी सिंह के भी शायद पार्टी में ज्वाइन करने की बात खुलकर आई है सामने, क्या कितना सच्चाई है? वह ज्वाइन कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं, चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। मनीष सिंह के नॉमिनेशन से आज वो भी नॉमिनेशन कर रहे हैं, मनीष सिंह सिद्धार्थ गौतम भी आज कर रहे हैं, उनका उनसे कोई असर पड़ेगा? मनीष सिंह या जो दावा था कि पूरा सिंह मेंशन एक है, वो तो आज समाप्त। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सिंह, जो अपनी जीत के प्रति पूर्णतः विश्वस्त हैं, और रागिनी सिंह के शामिल होने के बाद उनका ये जो सिद्धार्थ गौतम का ये कहना कि सिंह मेंशन पूरा खिलाफ में है, वो दिख रहा है, जो सिंह मेंशन के लोग भी उनके साथ हैं। अब देखने वाली बात होगी 12 मई को जब वोटिंग होगा और 23 को रिजल्ट आएगा, तो किसके दावे कितने सही बैठ पाते हैं। के लिए सहयोगी विकास के साथ अरुण।